नमस्कार दोस्तों, आज हम जीएसटी में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। बात है वैल्यू की। वैल्यू में क्या इंक्लूड होना है, क्या इंक्लूड नहीं होना है, किस पर टैक्स लगना चाहिए। वैल्यू बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। किस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स लगना है, वैल्यू में क्या जुड़ना है, क्या नहीं जुड़ना है, सेक्शन 15 वैल्यू को बताता है। सेक्शन 15 ये कहता है कि कोई भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है बशर्ते प्राइस पेड और पेबल, जो कोई भी एक्सेप्टेबल है बशर्ते दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, पार्टीज आपस में अनरिलेटेड होनी चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट अनरिलेटेड होनी चाहिए, और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो किसी भी वैल्यू पे आपने सप्लाई किया है कोई समस्या नहीं है, सरकार को सेक्शन 15 की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। क्या इंक्लूड होना है, सबसे पहले अगर आपने कोई टैक्स सेस या फी चार्ज की है इन एडिशन टू सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी यूटीजीएसटी, वो आपकी वैल्यू में इंक्लूड होगा अगर कोई भी टैक्स सेस या फी आपने चार्ज की है। दूसरा, कोई भी अमाउंट जो कि सप्लायर लायबल टू पे है लेकिन रेसिपिएंट ने उसका खर्चा कर दिया है तो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो जुड़ जाएगा। एग्रीमेंट है कि सप्लायर इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करेगा लेकिन उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में कोई खर्चा होना है जो सप्लायर ने करना है लेकिन वो रेसिपिएंट कर देता है, तो जो भी खर्चा रेसिपिएंट करता है वो सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ये अरेंजमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है रेसिपिएंट का कि वो आउटस्टेशन एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आके एक पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट करेगा, तो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ट्रेवलिंग का चार्ज जो कि उसका ही होना है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का चार्ज क्योंकि एग्रीमेंट कहता है कि एक लोकेशन पे आके काम करना है, तो अगर ये खर्चा ट्रेवलिंग का, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का खर्चा अगर रेसिपिएंट पे कर देता है तो माफ कीजिएगा दोस्तों, ये खर्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। उसके अलावा अगर एक जॉब वर्कर स्क्रैप रिसीव करता है आउट ऑफ प्रोसेस, जो कि वो अप्लाई करता है ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो जो स्क्रैप रिसीव होती है, जो स्क्रैप बचती है, अगर एग्रीमेंट इसके बारे में साइलेंट है तो स्क्रैप की वैल्यू, द सेलिंग प्राइस ऑफ द स्क्रैप शेल बी एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय जॉब वर्कर टू द प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर। माय डियर फ्रेंड्स, सिमिलरली अगर डिसाइडेड है एग्रीमेंट के अनुसार, क्योंकि एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, एग्रीमेंट क्या कहता है, एग्रीमेंट के अनुसार सप्लाई किस फॉर्म में, किस स्ट्रक्चर में, किस तरह से होनी थी, अगर जॉब वर्कर के साथ एग्रीमेंट है प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर का कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है या उसको प्रोसेस करना है आइटम को, और उसके अंदर माउल्ड एंड डाइज जो है वो जॉब वर्कर ने खुद बनवानी है और यूज करनी है, और अगर वही प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर देता है तो वो माउल्ड एंड डाई की जो वैल्यू है अपोर्शन की जाएगी ओवर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद दोज माउल्ड एंड डाइज, तो ये वैल्यू में जुड़ेगा। उसके अलावा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कोई भी पैकेजिंग चार्जेस, फ्रेट, इंश्योरेंस, कोई भी और स्पेशल एक्टिविटी गुड्स के ऊपर की गई है, उसके लिए चार्ज किया है सप्लायर ने सेपरेटली इनवॉइस के ऊपर, तो वो वैल्यू में जुड़ेगा, उसके ऊपर कंपोजिट सप्लाई के रूप में माना जाएगा इसको, क्योंकि अगर फ्रेट चार्ज की गई है तो कंपोजिट है, अगर पैकेजिंग चार्ज की गई है तो कंपोजिट है, तो फ्रेट और पैकेजिंग पर रेट वही लगेगा जो गुड्स पर लगेगा, जो उन गुड्स की प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी और ये कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी, इंक्लूड होगा। उसके अलावा इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी, कोई भी अगर डिलेड कंसिडरेशन पर सप्लायर रिसीव करता है, कोई भी ब्याज लगता है, 30 दिन का उधार दिया सप्लायर ने अपने रेसिपिएंट को, 30 दिन में रेसिपिएंट ने पेमेंट नहीं की, 40 दिन बाद पेमेंट की, 10 दिन का ब्याज लगा मान लीजिए ₹1,000, तो ₹1,000 शेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड शेल बी टैक्स एट द रेट एट विच द ओरिजिनल सप्लाई वॉज टैक्स। उसमें सिर्फ छूट इतनी है कि एक्रूअल बेसिस पे टैक्स नहीं होगा, जैसे ड्यू हुआ ब्याज वो उससे टैक्स नहीं होगा, जब आपको एक्चुअली रिसीव हो जाएगा उसकी टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12 और 13 तब होगी। सब्सिडी अगर डायरेक्टली लिंक्ड है प्राइस के साथ तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगी। मान लीजिए एक कंपनी ने लैपटॉप सप्लाई करने हैं और एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कहती है उस कंपनी को कि भाई ₹10,000 का लैपटॉप है, ₹7,500 आप रेसिपिएंट से ले लें, ₹2,500 हम से ले लें, तो उस कंपनी ने जो ₹7,500 रेसिपिएंट से लिए हैं वो वैल्यू नहीं होगी, जब बल्कि वो जो ₹2,500 उस एनजीओ ने दिए हैं वो ₹2,500 जोड़ के वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसकी ₹10,000। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है कि एक्सक्लूजन भी है, एक्सक्लूजन में यहां पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है तो वो वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगी। अगर यही वो एनजीओ की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होती तो वैल्यू का हिस्सा नहीं बनती। बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान चाहूंगा आपका सबका, कि आप
जो वैल्यू है वो लिंक्ड है कंसिडरेशन के साथ. कंसिडरेशन जो कंसिडरेशन होगी वो वैल्यू में जुड़ जाएगा. कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 सीजीएसटी एक्ट का डिफाइन करता है. कंसिडरेशन का अर्थ है एनी अमाउंट मेड और टू बी मेड. कोई भी दिया गया या भविष्य में दिया जाएगा. कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट में भी फ्यूचर. वेदर इन मनी और अदरवाइज. कंसिडरेशन में भी इन कैश इन काइंड. कुछ भी अगर दिया गया है अगर कंसिडरेशन है तो वैल्यू में जुड़ जाएगा. तो इसलिए वैल्यू और कंसिडरेशन का डायरेक्ट नेक्सस है माई डियर फ्रेंड्स. कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय द थर्ड पर्सन. अगर रेसिपिएंट के बिहाफ पे थर्ड पर्सन ने भी अगर कंसिडरेशन दी है तो भी वो कंसिडरेशन होगी और वो वैल्यू का हिस्सा बनेगी. तो इंक्लूजन के लिए बहुत आवश्यकता है. एक्सक्लूजन के लिए बहुत आवश्यकता है ये डिटरमाइन करना कि क्या कंसिडरेशन है और क्या कंसिडरेशन नहीं है. एक्सक्लूजन में दो महत्वपूर्ण शुरुआती बातें रीइंबर्समेंट और सब्सिडी. ये दोनों चीजें अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं बनती कंडीशंस पूरी होने के बाद तो ये ना सप्लाई है ना ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है ना ही एग्रीगेट टर्नओवर का हिस्सा है. दोस्तों बहुत कॉमन डाउट आता है यहां पर कि अगर रीइंबर्समेंट मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं है तो प्रोपोर्शनेटली क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है. माय डियर फ्रेंड जब वो वैल्यू ही नहीं है तो वो एग्जेम्प्ट भी नहीं होगी. जब वो सप्लाई नहीं है तो एग्जेम्प्ट भी नहीं होगी. इसलिए वो कहीं भी जीएसटी में उसको सब्जेक्ट मैटर नहीं माना जाएगा. इसलिए सेक्शन 17(2) और 3 में रूल 42-43 में कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल की आवश्यकता नहीं है. उसके बाद आपने अगर कोई डोनेशन रिसीव किया है वो आप एक्सक्लूड करें बशर्ते कोई रेसिप्रोकल ना हो क्विड प्रो क्यू ना हो. अगर डोनेशन के बदले में आपको कोई सर्विसेज मिल रही है आपने किसी को दान दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को और बदले में आपको एडवर्टाइजिंग सर्विस मिल रही है या कुछ और आपको बेनिफिट मिल रहा है क्विड प्रो क्यू हो रहा है आपके बीच में कंसिडरेशन एक्सचेंज हो रही है रेसिप्रोकल है तो वो डोनेशन का वैल्यू का हिस्सा बनेगी. डोनेशन अदरवाइज वैल्यू का हिस्सा नहीं बनेगी. उसके बाद डिस्काउंट वैल्यू का हिस्सा नहीं बनती अगर आपने ऑन और बिफोर डिस्काउंट दिया है सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय पर डिस्काउंट दिया है तो वो वैल्यू का हिस्सा नहीं बनती. रीइंबर्समेंट के बारे में फटाफट आपसे बात करना चाहता हूं. रूल 33 आपने रेफर करना है. मेजर बातें आपको बता दूं एग्रीमेंट होना आवश्यक है ऑथराइजेशन होना आवश्यक है फ्रॉम द रेसिपिएंट टू द सप्लायर फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर द रीइंबर्समेंट. रीइंबर्समेंट वो खर्चा होता है जो कि सप्लायर रेसिपिएंट के बिहाफ पे पे करता है. डायरेक्टली रेसिपिएंट ना पे करके सप्लायर पे करता है रेसिपिएंट के बिहाफ पे लेकिन इनवॉइसेस और वो रिसीव करता है ऑन बिहाफ ऑफ अपने बिहाफ पर रिसीव नहीं करता ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट रिसीव करता है. इसलिए इनवॉइसेस भी होना रेसिपिएंट के नाम पर ही जरूरी है. और साथ ही साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि जो रीइंबर्समेंट का इनवॉइस है दैट शुड बी इन एडिशन टू दी इनवॉइस फॉर सप्लायर्स ओन सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस. मतलब अगर मैंने अपना रीइंबर्समेंट का इनवॉइस किया है तो रीइंबर्समेंट के अलावा कोई ना कोई और गुड और सर्विस की सप्लाई का इनवॉइस भी होना है आवश्यक है. अगर ऐसा नहीं है तो रीइंबर्समेंट मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगी. फॉर एग्जांपल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने 50,000 रुपए का जीएसटी रिसीव किया किसी टैक्स पेयर से और उसे जमा करा दिया एग्जैक्ट 50,000 रुपए लेकिन अपना इनवॉइस करना भूल गए. उस स्थिति में जो 50,000 रुपए है वो उन सीए साहब की वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा. कभी भी कल को कोई इन्फोर्समेंट होती है असेसमेंट होती है तो वो 50,000 रुपए शेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड शेल बी टैक्स एट द रेट ऑफ 18%. सिमिलरली अगर आपने कोई भी मार्कअप ऐड किया है रीइंबर्समेंट में तो भी रीइंबर्समेंट जो है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जुड़ जाएगा हिस्सा बन जाएगा. अगर 100 रुपए का आइटम आया और आपने 101 रुपए का दे दिया 100 रुपए का खर्चा किया ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट और 101 रुपए का दे दिया तो 1 रुपए की वजह से भी आपका मार्कअप ऐड हो गया. इस वजह से वो आपकी पूरा का पूरा 101 रुपया वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा. ध्यान रखिएगा ये दो महत्वपूर्ण बातें. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. वैल्यू में क्या इंक्लूड होना है और क्या एक्सक्लूड होना है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.